मुरादाबाद की थाना मझोला पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों का पैसा दोगुना करने के नाम पर बेवकूफ बनाता आ रहा था। जी हां, पीड़ित लोगों का आरोप है कि शातिर नटवरलाल ने अब तक कई करोड़ रुपए का हेर फेर कर लोगों को चूना लगा दिया है। पुलिस के सामने कुर्सी पर बैठा ये भोली सी शक्ल बनाने वाला व्यक्ति मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के कांशीराम नगर का रहने वाला नटवरलाल राजेंद्र सैनी है। आम लोगों को ये व्यक्ति इस भोली सी शक्ल के नाम पर ठगता आ रहा है, जो आज पीड़ित लोगों के हत्थे चढ़ गया और उन्होंने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। दरअसल ये नटवरलाल पिछले 5-6 सालों से हेरिटेज नाम से कई फाइनेंस कंपनी चलाकर एक गैंग के रूप में काम कर रहा था। ये अलग अलग शहरों में जाकर एक ऑफिस बनाकर लोगों का पैसा दोगुना करने के नाम पर जमा करवाता और कुछ दिन बाद वहां से तामझाम समेत कर रफू चक्कर हो जाता। इस नटवरलाल से आहत सैकड़ों लोग इसकी तलाश में थे, जबकि कुछ लोगों ने थाना मझोला में इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करवाया हुआ था। इसके पकड़े जाने के बाद से ही कांशीराम नगर पुलिस चौकी पर पीड़ितों का पहुंचने का सिलसिला जारी था। मौके पर मौजूद कई पीड़ितों ने अपनी पीड़ा बताते हुए इस नटवरलाल के द्वारा की गई धोखाधड़ी की घटना बताई और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं जब इस मामले की जानकारी पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने मामले में आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमने 21 महीने के लिए 2500 रुपये महीना जमा करा और 1000 रुपये महीना जमा करा एक साल के लिए, तो हमें कोई पैसे नहीं मिला। कितना रुपया पूर्ति जमा करा था? 60,000। 60,000 रुपये जमा करा, कितने महीने के लिए जमा करा था? 21,000 के वो 2500 21 महीने के लिए और 1000 एक साल के लिए। 4 साल हो गए, अभी तक पैसे नहीं मिला हमें। किस चीज़ में पैसा लगाया था? एसएस कंपनी। क्या एफडी थी या आरडी था, क्या था? एफडी थी। एफडी पूरा महीने की, एक साल की हमें दोबारा दे देंगे बढ़ा के पैसे। ऐसे डबल था डबल, जैसे 10,000 जमा करते। ये ऑफिस कहाँ पे? द्वारकाधीश मंदिर पड़ता है, मझोला थाना क्षेत्र में। हाँ। अच्छा, कौन थे, कौन लोग थे वो जिन्होंने? नाम नहीं पता उनका। नाम आशीष सर नाम है, राजेंद्र सैनी। क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र, अच्छा। क्या किस तरह से पैसा, क्या कोई परिचित थे आपके जिन्होंने पैसा लगवाया था? क्या आशीष द्वारा, मुझे एजेंट द्वारा हमने जमा करा था और ये खुद जाता था हमारे घर पे लेने पैसे। तो आशीष जो है ये कौन है? कंपनी से जुड़ा हुआ है। और राजेंद्र सैनी भी जाता था हमारे घर पैसे लेने और आशीष द्वारा भी जाता था पैसे। सर जी, इन्होंने लगभग आपसे 8-7 साल पहले एक हेरिटेज कॉरपोरेशन के नाम से कंपनी लॉन्च करी और उसको रजिस्टर्ड करा के ये लोग हमारे पास पहुँचे और इन्होंने कहा साहब हमने एक बचत पॉलिसी के रूप में काम करते हैं रियल इस्टेट का, और उसमें पैसा अपना लगाइए और अपने मिलने वालों को बताइए, उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो इन्होंने काम कराया कई साल, जब हमारे 5 साल पूरे हो गए, जब हम पैसे मांगने जाते हैं तो ये आज पे कल पे टालते रहे। 2 साल हमें लगातार चक्कर लगाते हुए हो गए, लेकिन जो अपने रिश्तेदार हैं हमारे, जो मिलने वाले हैं हमारे, वो सब लोग जो है हमसे कहते हैं कि साहब पैसा दिलवाओ। वो खुद भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, आपस में हम में झगड़ेबाजी होती है, गाली गलौच। तो इस तरह से हमने इनसे कई बार शिकायत करी, आए आश्वासन देते रहे, लेकिन एक दिन जब हम सब लोग मिलकर एक साथ आए तो इन्होंने, हम मकान पे हम इनके पहुँचे कांशीराम नगर में द्वारकाधीश मंदिर के सामने SI 102, तो वहाँ पे इन्होंने 100 नंबर पे कॉल कर दी, बोले ऐसे ऐसे हमें मार रहे हैं, हमारे बच्चों को छेड़ रहे हैं, फलाना धमाका। इन्होंने कई बार फिर हमने फ़ोन पे भी बात करी तो इन्होंने यही धमकियाँ दी, बोले हम तुम्हें 76 के केस में फंसा देंगे या फिर तुम्हारा झूठे केस में कहीं ना कहीं रखवा देंगे, और यदि पैसे के नाम पर इधर आए तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। तो हमें धमकियाँ मिलने लगी फ़ोन पर भी। कितने लोगों का यहाँ पर? लगभग सर जी 1000 लोगों का पैसा है। आपका कितना पैसा लगा? मेरा लगभग सर जी, मेरा खुद का 3.5 लाख के समथिंग और बाकी का मेरे मिलने वाले और रिश्तेदार सहित 28 लाख के आसपास मेरा। अब यहाँ कौन बैठे हैं? राजेंद्र सैनी है, वो आज हाथ लगे हैं साहब। इसके अलावा क्योंकि आज इनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, आप ही के कुल 30-35 लाख रुपए संबंधी होते हैं या औरों के सब टोटल लगा कर? सर टोटल लगभग 2 करोड़ के आसपास बैठेगा क्योंकि सभी लोगों का है।
किस नाम से कंपनी चल रही थी? हेरिटेज कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। अच्छा, आप एम्प्लॉय थे वहाँ पर? नहीं सर, हमें जो है उसमें मतलब एक एज एडवर्टाइजर के रूप में हमें भेजा जाता और जमा करवाते थे, ये बोले आप एडवर्टाइज करिए। देखिए, इस मैटर में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक सामने आई है, इनकी एक जो इनके परिवार में कुछ लोग सदस्य हैं और इनकी एक पूरी टीम है, जिसके तहत ये लोगों से काफ़ी समय से, लगभग कोई 7-8 साल से, थोड़े थोड़े लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते थे। इनकी एक चिटफंड कंपनी थी जिसके थ्रू ये लोगों से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते थे उनसे पैसा लेते थे। तो उनसे पैसा ले लेके ये लगभग जो इनके जो कंप्लेंट जो कुछ वादियों ने कंप्लेंट दी थी उनके थ्रू ये पता चला था कि ये लगभग 2 करोड़ का मामला था, जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने जो सम एक टोटल मनी बना था उसमें 2 करोड़ था। तो उसमें एक अरेस्टिंग हुई है अभी लेटेस्ट में, जो मेन एक्यूज हैं जो राजेंद्र सैनिक, उनको अरेस्ट किया गया है और उनसे पूछताछ करी गई है, उसके बाद में उनको जेल भिजवाया गया। सर, लगभग कितने की ठगी और कितने लोग थे इस कंपनी में? इसमें जो कंपनी है उसमें लगभग इनका, जिनसे पूछताछ में थोड़ा पता चला है, इनके साथ में जो लोग जुड़े थे, इनका कुछ कभी ये बताते हैं कि परमानेंट थे, कभी बोलते हैं टेम्प्ररी एम्प्लॉयज थे। तो ये चीज़ें पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई है, जब तक बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तो पूरी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और ये पूरा लगभग मैटर 2 करोड़ के लगभग बता रहे हैं। कितने टाइम से सर रन कर रही है ये? सिंस 2013। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।